हे गाइज नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान की, वो भी आज की जो टॉपिक है एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कह लिया जाए जबरदस्त टॉपिक रहने वाली है। यदि आज की टॉपिक आपको समझ में आ जाता है गाइज, तो बोर्ड एग्जाम में आपको 7 नंबर कोई आपका नहीं रोक सकता है, आपको 7 नंबर मिलना अनिवार्य हो जाएगा। तो गाइज आज की टॉपिक को आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों को भी 7 नंबर मिलने चाहिए। तो चलिए गाइज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। गाइज लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर क्या है, आपकी जो इच्छा है कब की, आपकी जो मन में चेष्टा उठ रहा है कि आज की कौन सी हेडिंग है जो कि आपको 7 नंबर देके जाना है 99% गारंटी के साथ। यदि ये प्रश्न आपसे पूछा गया तो आपको 7 नंबर बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो हाई स्कूल वाले, कक्षा 10 वाले प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को जबरदस्त देखिएगा और जबरदस्त दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि 7 नंबर मिलने वाले हैं। आज की लेक्चर ही हम दिखा देते हैं कि 7 नंबर ये आपको देके जाएंगे। चलिए तो ध्यान से समझिएगा, आखिर वो 7 नंबर वाला प्रश्न क्या है। आपसे प्रश्न में पूछ लेगा गाइज कि यू बी और एफ में संबंध ज्ञात कीजिए, यू और वी और एफ में संबंध ज्ञात कीजिए, या तो कहेगा दर्पण के सूत्र का निगमन कीजिए, या तो कहेगा दर्पण के सूत्र का निगमन कीजिए। आपसे दोनों टॉपिक ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो गाइज कहीं नहीं भटकना है, केवल आज की लेक्चर को अटेंड कर लो, पूरे के पूरे समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, हमने इसके लिए डायग्राम यानी रचना पहले से बना के रखा है कि जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए गाइज। तो चलिए उसको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए ये सूत्र निकालेंगे, फिर उत्तल दर्पण के लिए भी इसका सूत्र निगमन करेंगे। अवतल और उत्तल दर्पण का सूत्र एक ही होता है, फिलहाल उसमें रचनाएं अंतर हो जाते हैं। दोनों की बात की जाएगी, एक आज के लेक्चर में अवतल की और अगले लेक्चर में उत्तल की बात कर लेंगे। तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं, हमने क्या बनाया। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाया गाइज, इधर हम लोग रफ की बात करेंगे क्योंकि आपको समझाना है, बना के दिखाना है। तो चलिए रफ की बात करते हैं। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, जो कि बाहर की तरफ कलई किया जाता है, बाहर की तरफ से पिंड किया जाता है, वो कौन सा दर्पण कहलाता है, वो प्यारा सा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, यदि इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एक मुख्य अक्ष बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ध्रुव को बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। फिर उसके बाद यहीं कहीं मुख्य फोकस हो जाएगा और यहीं कहीं क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब कोई वस्तु मान लेते हैं, यदि कोई वस्तु ए और बी है जो कि अनंत और वक्रता केंद्र के क्या है, बीच में है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु ए और क्या रख दी गई, बी रख दी गई। तो सबसे पहला नियम गाइस देखिएगा, सबसे पहला नियम लगाएंगे आप कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यदि गाइज यही पूरा के पूरा सिस्टम यहाँ पर भी बनाया गया है, देखिएगा ये कोई वस्तु ए बी है, ये कोई वस्तु आप ए बी मार्क, ये कोई वस्तु ए बी है, ये मार्कर भी एक वस्तु हो गया। अब यहाँ से दो प्रकाश किरणें निकली, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गई और एक वक्रता केंद्र से होकर गई, एक मुख्य अक्ष के समांतर गई और एक वक्रता केंद्र से होकर गई। जो मुख्य अक्ष के समांतर गई थी वो दर्पण से जब टकराई तो मुख्य फोकस से होकर लौटी, और जो वक्रता केंद्र से गई थी वो दर्पण से टकराई तो जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग में वापस लौट आई। ये देखिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग में वापस लौट आई। ये दोनों किरणें जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहीं वस्तु का, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखिए, वस्तु की मुंडी ऊपर था, अर्थात ये जो तीर वाला भाग है ये ऊपर है, तीर वाला भाग नीचे हो गया, तो B' और A' हो गया।
इतनी चीज प्रोसेस यहाँ पर की गई है गाइज। एक बार यहाँ पर जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें टकरा रही थी उस बिंदु का नाम यहाँ पर दे दिया गया M, और M से एक लंब खींच दिए जो कि N पर प्रतिच्छेद करती थी, तो एक लंब यहाँ पर भी खींचा गया, देख सकते हैं M से N तक। गाइज एक बार वहाँ तो हमने आपको रफली में समझाया कि रचना आपको कैसे तैयार करना है या आपको रचना कैसे करना है। यहाँ पर आप समझिएगा जो हमने पहले से बना के रखा है, सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे, जिसका मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है, तो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मध्य भाग ही ध्रुव कहलाता है, हम लोग P से डिनोट करेंगे। और एक मुख्य अक्ष बना लेंगे जिसपे एक मुख्य फोकस हो जाएगा और एक वक्रता केंद्र हो जाएगा। और मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु A और B है, जो कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर रखी गई है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये कोई वस्तु AB रखी गई है। यहाँ से दो प्रकाश किरणें निकल रही हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, एक वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं। तो गाइस आपको पता होगा कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो मुख्य फोकस से लौटती हैं, और जो वक्रता केंद्र से जाती हैं वो सीधे उसी मार्ग में वापस लौटाती हैं ना। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटी वहीं इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया A'B', और उसके बाद हमने एक लंब खींच दिया M से N पर। तो जो आपने रचना किया है उस रचना को सबसे पहले लिखिएगा। रचना में एक चीज़ जरूर लिखेंगे कि रचना में हमने M से एक लंब डाला है जो कि N पर प्रतिच्छेद करता है, या तो ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए कि हमने MN एक लंब खींचा। रचना में इतना लिखेंगे, रचना में आपने क्या किया है, यमयन एक लंब खींचा, ठीक। अब गाइस इतनी बातें यदि आपको समझ में आई होगी तो आगे चलते हैं। अब जहाँ वस्तु रखा जाता है, और वहाँ से लेके ध्रुव के बीच की दूरी, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी u होता है, अर्थात ध्रुव से लेके वस्तु जहाँ पर रखी जाएगी वहाँ की दूरी u से दिखाते हैं। उसके बाद ध्रुव से लेके जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी v से दिखाते हैं, v से दिखाते हैं कि ये दूरी हम लोगों ने v से दिखा दिया। फिर उसके बाद मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, आपने पढ़ा होगा, ये फोकस दूरी हो गई। फिर आपने एक चीज़ और पढ़ा था गाइज, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या अर्थात कैपिटल R कहलाता है। यदि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी तो गाइज अब कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक बार पुनः आप समझ सकते हैं, ध्रुव और वस्तु, चाहे जहाँ पर हो, चाहे कम दूरी हो चाहे ज़्यादा दूरी हो, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी u होता है, और ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी v होता है, और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी स्मॉल f होते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। अब गाइस हम लोग सूत्र निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग निकालने वाले क्या हैं। आपको पता है दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसी सूत्र को हम लोग निकालने वाले हैं, और इसी सूत्र को गाइस अभी हम लोग निकालेंगे आखिर ये सूत्र कैसे आता है। तो चलिए ये रफ वाली पार्ट को हम लोग मूव करते हैं। दो त्रिभुज को समरूप करना जरूर सीखे होंगे। सबसे पहले हम समरूपता का नियम आपको बता देते हैं। 2-3 मिनट आपका और टाइम लेंगे गाइस, वीडियो लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं, यदि आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको 7 नंबर तो पूरा मिल जाएंगे ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। रट्टाफिकेशन ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, तो रट्टाफिकेशन हम लोगों पे काम करने वाला नहीं है, न तो रट्टा पे चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं, या तो समरूप का मतलब क्या होता है। समरूप का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला। जैसे मैंने क्या कह दिया कि बच्चों का ग्रुप, लड़कों का ग्रुप, तो सभी लड़के हैं तो वो लड़के क्या होंगे, समरूप होंगे। मैंने क्या कह दिया,
पेन, तो सभी पेन जो है कुछ पेन बड़े होंगे या तो कुछ पेन छोटे होंगे। यदि सभी पेन की लंबाई इक्वल है तो वो पेन समरूप नहीं बल्कि क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा गाइज, यदि ये एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया ये बड़ा वाला ए, उसके बाद बी और ये सी, फिर उसके बाद एक छोटा वाला त्रिभुज हो गया, छोटा वाला त्रिभुज कौन हो गया, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये दो त्रिभुज हो गए। और ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि दोनों को हम लोग त्रिभुज ही बुलाएंगे, एक बड़ा है एक क्या है छोटा है। देखिए इन इसकी ये दोनों संगत भुजाएं होंगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसकी संगत होगी, और ये वाली भुजा इसकी संगत होगी, और ये वाली भुजा इसकी संगत होगी। यानी संगत भुजाएं का मतलब कि एक जैसी भुजाएं, एक दूसरे की जैसी, एक जैसी दिखने वाली भुजाएं ही संगत भुजा होती है। तो गाइज यहाँ पर समझेंगे ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, क्या लिख देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। गाइज एक बार फिर से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। इतनी बातें आपको क्लियर लग रही हैं, यदि आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो आगे बात करते हैं। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, अब यहाँ पर मेन पॉइंट जिसे आप कह सकते हैं कि आपके इस डेरिवेशन का हथियार या औजार कह सकते हैं, अब यहीं पर ये हथियार आपको समझना होगा। तो इस हथियार को समझिए क्या होता है, क्या कह रहा है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कौन है, ए बी, संगत भुजाएं ए बी और पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी, क्या बी सी बटे क्यू आर, क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। यानी ये आपका जो हथियार है इस डेरिवेशन के लिए, इस फार्मूले के लिए, ये हथियार का काम करने वाला है कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होने वाला है। यदि ये बातें आपको समझ में आई है तो आइए डेरिवेशन पे हम लोग चलते हैं, और इसी हथियार के बदलते हम लोग विजय हासिल करेंगे। आइए देखते हैं, अब यहाँ पर आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दिखाई पड़ रहा है, त्रिभुज ए बी सी ए डैश बी डैश सी एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के समरूप हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। अब जब समरूप हैं, हमने पढ़ा है कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो चलिए यदि हम इधर से ए बी भुजा लेंगे, यदि हम लोग इधर से ए बी लेंगे तो ये लंब है, तो अगले त्रिभुज में देखिए अगला त्रिभुज यही है आपका ए डैश बी डैश सी वाला, ये देखिए इस बार आप लोग जो त्रिभुज लिए हैं हमको इसको आपको दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए हमने ऐसे पेंटिंग कर दिया है। अब देखिए ये ए बी और ए डैश बी डैश, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर ए सी, क्या ए सी बटे ए डैश सी, क्योंकि ये आधार है ये भी आधार है ना, तो क्या हो जाएगा ए सी बटे ए डैश सी। इतनी बातें आपको समझ में आई, ए सी बटे क्या हो जाएगा ए डैश सी, समीकरण नंबर क्या आ गया एक, समीकरण नंबर एक। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे हम लोग चलेंगे। अब अगला त्रिभुज पकड़ेंगे, तो गाइज अब कौन सा त्रिभुज पकड़ने वाले हैं, अब ये वाला त्रिभुज पकड़ने वाले हैं, ये वाला, ये देखो अब जो त्रिभुज आप पकड़ने वाले हो वो ये है, लीपा लीपी नहीं करना है। अब हमने इसमें गोला बना दिए, क्या बना दिए,
गोला जिससे आपको दिखता रहे। दिखाई पड़ा कौन सा त्रिभुज? अब आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा, वो कौन सा त्रिभुज है? देखिए एम एन एफ त्रिभुज, यम यन यफ और ए डैस बी डैस एफ। देखे क्या? देखिए त्रिभुज एम यन यफ ए डैस बी डैस एफ एक दूसरे के समरूप हैं, ये चीज लिखते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज यम यन यफ तथा त्रिभुज ए डैस बी डैस एफ एक दूसरे के क्या हैं? समरूप हैं। एक दूसरे के क्या है? समरूप है। जब समरूप हैं तो हथियार का उपयोग करो तो क्या हो जाएगा? यमयन। इसकी संगत भुजा ए डैस बी डैस, तो यमयन बटे क्या हो जाएगा? ए डैस बी डैस बराबर आधार कौन है? एफ यन बटे इसकी संगत भुजा ए डैस एफ है, तो एफ यन बटे ए डैस एफ। अब आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे गाइज चित्र पे, देखो जो ये यमयन आपने लंब खींचा है ये किसके बराबर है? ए बी के। फिर से एक बार देख लो यार, जो यमयन है वो ए बी के बराबर है। समझिएगा, तो यहाँ लिख रहे हैं कि चित्र से देखने के बाद जो यमयन है वो ए बी के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ यमयन है वहाँ हम लोग क्या रख देंगे? ए बी रख देंगे। तो इनका काम हो चुका है, इनको मूव करने वाले हैं। यदि आप इस हथियार का स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब गाइस आगे बात करने वाले हैं, इधर आइएगा। तो जहाँ यमयन है वहाँ ए बी रख देंगे, तो यमयन के स्थान पे जब ए बी रखोगे तो ए बी बटे ए डैस बी डैस आएगा बराबर यफयन बटे ए डैस यफ। ठीक, समीकरण नंबर दो। आप देखिए समीकरण एक का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और समीकरण दो का लेफ्ट हैंड साइड, दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। और जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये और ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या लिखेंगे? समीकरण एक और दो से ये वाला पक्ष उसके बराबर हो जाएगा ए सी बटे ए डैस सी बराबर यफ एन बटे ए डैस एफ। ठीक, समीकरण एक और दो की तुलना की गई तो ये पक्ष बराबर था, तो ये वाला पक्ष इस पक्ष के क्या हो गया? बराबर हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या चर्चा करते हैं जानते हैं? इसको ध्यान से समझिएगा। यदि हम मान लें कि जो ये अवतल दर्पण है वो अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत छोटा है, अर्थात ये दर्पण को सिकोड़ दिया जाए तो जो ये यन दूरी है वो यन दूरी मिल जाएगी पी में। भैया एक ऐसा एग्जाम्पल समझ लो, जैसे आपके बगल कोई बड़ा सा पॉपुलर आदमी हो और उसके बगल आपका घर हो, तो आपसे कोई पूछता होगा कि आपका घर कहाँ पर है, तो आप बताते हैं ना कि उस पॉपुलर के बगल है या उस पॉपुलर सी वस्तु के बगल है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि यदि दर्पण अत्यंत छोटा होगा तो ये जो एन है वो पी में जाके मिल जाएगा। तो ये स्थिति रखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर गाइस? ध्यान से समझिएगा, यदि दर्पण अत्यंत सूक्ष्म हो, यदि दर्पण अत्यंत क्या हो? सूक्ष्म हो, तो जो यन है वो पी में मिल जाएगा, अर्थात यन लगभग पी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अब जहां यन आया है वहीं पी हो जाएगा, तो ए सी बटे
ए डैश सी बराबर एफ एन, तो देखिए जहाँ एन है वहाँ पी होगा, तो एफ पी बटे ए डैश एफ, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू रखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग सबकी वैल्यू रखने वाले हैं, तो चलिए गाइस बात करते हैं एसी। गाइस ध्यान से देखिएगा, एसी की वैल्यू ए और सी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए और सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए और सी है। अब आपको एसी चाहिए, पर एसी की दूरी नहीं पता है, पर एक चीज़ पता है कि ए से लेके पी की दूरी यू है और सी से लेके पी की दूरी आर है। यदि ए पी में से इस पूरी दूरी में से सी पी घटा दो तो क्या बचेगा, एसी ही बचेगा ना। आइए इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा यहाँ लाइन बनाते हैं और हर एक पॉइंट को नोट करते हैं। ए है, फिर सी है, फिर कौन है ए डैश है, फिर कौन है यफ है, फिर कौन है पी है, और सबकी दूरी दिखाते हैं, तब समझ में आएगा। पी से लेके यफ की दूरी कितनी है, स्मॉल यफ है, ठीक, और पी से लेके ए डैश की दूरी कितनी है, वी है, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, यू है। ठीक, अब हम समझते हैं, ये हमको नहीं बताना है, ये पेपर में नहीं लिखना है, इसको केवल समझाने के लिए आपको नोट बताया जा रहा है, ध्यान से समझियो। अब आपको ए सी चाहिए, तो ए सी यानी ये दूरी चाहिए, पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए पी किसके बराबर है, यू के बराबर है, ए पी किसके बराबर है, यू के बराबर है, ध्यान से समझो, ए पी किसके बराबर है, यू के। यदि ए पी में से इतनी दूरी काट के निकाल दें, यदि ए पी में से इतनी दूरी काट के निकाल दें तो ए सी ही बचेगा ना, ए सी ही तो चाहिए, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ ए सी जो है वो ए सी किसके बराबर है, बोलो ए पी, क्या ए पी माइनस, ए पी माइनस सी पी, काट के बाहर निकालने का मतलब ए पी में से ये सी पी दूरी घटा दो, ए पी माइनस क्या हो गया सी पी, सबकी वैल्यू रख देना, अभी बाद में रखा जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, यदि मान रखो तो एक बात ध्यान से समझिएगा यारो, एक बात आपको क्या समझना है जानते हैं, ये सारी दूरियां ध्रुव से इधर नाप रहे हो, बाएं तरफ नाप रहे हो, और ध्रुव के बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है, अर्थात सारी दूरियां ऋणात्मक होगी। तो चलिए रखते हैं, तो यहाँ ए पी का मान कितना है, ए से लेके पी की दूरी यू है, पर माइनस यू लग जाएगा क्योंकि चिन्ह परिपाटी से, फिर उसके बाद माइनस सी पी, तो ये माइनस वाला फार्मूला सी पी, तो सी से लेके पी की दूरी आर है, पर ये भी माइनस आर लगेगा। क्यों माइनस आर लगेगा, क्योंकि सभी दूरियां दर्पण के बाईं तरफ की है या ध्रुव के बाईं तरफ की है। अब आगे बात करते हैं गाइस, अगला पॉइंट, अब ए डैश सी बात करते हैं, ए डैश सी लिखना है। चलिए अब आप बात कीजिए ए डैश सी, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो क्या करेंगे, फुल दूरी सी पी है ना, अब फुल दूरी सी पी में से ए डैश पी घटा दो, तो सी पी माइनस क्या हो जाएगा ए डैश पी, इस सी पी में से ए डैश पी निकाल दो, तो आपको यही दूरी बचेगी ना, तो सी पी में से ए डैश, तो सी पी कितना है भाई, माइनस आर है और ए डैश पी, तो ए डैश पी कितना है, वी है, तो ये भी माइनस वी ही लगेगा। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे, एफ पी लिखेंगे, एफ पी, तो एफ पी तो खुद ही पता है स्मॉल एफ, पर माइनस स्मॉल एफ लगेगा। क्यों माइनस स्मॉल एफ लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं स्मॉल एफ माइनस में इसलिए लग रहा है क्योंकि सभी दूरियां दर्पण के बाएं तरफ है। अब बात करते हैं
ए डैश एफ की, किसकी बात करते हैं, ए डैश एफ की। तो ए डैश एफ कहाँ है, देखो हमको अब यहाँ से लेके इतो दूरी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या करते हैं, इस ए डैश पी में से एफ पी काट के बाहर कर देते हैं। ए डैश पी में से एफ पी काट के बाहर कर दोगे, यही दूरी बचेगी, तो क्या हो जाएगी ये ए डैश पी, ए डैश पी माइनस कितना हो जाएगा एफ पी। चलिए ए डैश पी की वैल्यू कितनी है, ए डैश पी की वैल्यू वी है, तो माइनस वी हो जाएगा। एफ पी कितना है, स्मॉल एफ है, यहाँ माइनस एफ लग गए। ये सब मान ए सी ए डैश सी एफ पी और ए डैश एफ का मान उठा के समीकरण तीन में रख दो और इनको हटा दो, मूव कर दो। चलिए तो क्या लिखते हैं, ये सब मान समीकरण तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन ए सी, तो ए सी किसके बराबर है, माइनस यू और ये माइनस आर बटे ए डैश सी, तो ए डैश सी कितना है, माइनस आर माइनस वी बराबर एफ पी, एफ पी कितना है, माइनस एफ है। फिर ए डैश एफ किसके बराबर है, माइनस वी माइनस, फिर ये माइनस एफ हो गए। क्या किसी को कोई दिक्कत, तो गाइज अब इसको आगे हल करते हैं। आगे हम लोग हल करने के लिए हम लोग इधर को अलग कर लेते हैं, इस पार्ट को अलग करते हैं। गाइज अब कुछ भी नहीं है, अब केवल माइनस प्लस को हल करो और तेरे गुना कर दो, आपके डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू होगा। अब ये माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस, तो u प्लस r हो जाएगा। फिर ये माइनस r है, माइनस r रख दो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो r प्लस v हो गया। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस f है आपका, तो रहने दीजिए माइनस f। फिर उसके बाद ये माइनस v है, कितना है, माइनस v, माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस f। क्या करते हैं, तीन एक गुना करते हैं, इनका गुना इससे कर देंगे, इनका गुना इससे कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं, पारी के पारी आप गुणा करो, माइनस यू का गुना इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यू भी आ जाएगा, ठीक। फिर माइनस यू का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस यू एफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस यू एफ आ जाएगा, ठीक। अब आर का गुणा, आर का गुणा वी से करेंगे तो माइनस वी आर आ जाएगा ना। फिर आर का गुणा एफ से करेंगे तो आर एफ आ जाएगा। तो इसका गुणा तो हो गए, अब बराबर लगा लो। एफ का आर का गुणा यहाँ करो तो माइनस माइनस प्लस, तो आर एफ आ जाएगा। फिर इनका गुणा यहाँ कर दिए तो भैया वी का गुणा एफ से किए तो माइनस वी एफ आ गए। किसी को कोई दिक्कत, अब देखिए ये आर एफ है, ये आर एफ से आर एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने कितना बचा, यू बी माइनस यू एफ माइनस वी आर, उसके बराबर कितना है, माइनस वी एफ। यदि आप देख रहे होंगे तो दर्पण के सूत्र में कहीं भी आर आया ही नहीं है, तो आर यहाँ क्या कर रहा है। तो गाइज आर को हम लोग हटा सकते हैं, आर वक्रता त्रिज्या है और आपने पढ़ा है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो 2f के बराबर होती है, अर्थात फोकस दूरी के दुगुनी होती है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बता के रखा है। तो आर के स्थान पे 2f का उपयोग कर, अब क्या करेंगे गाइज, आर के स्थान पे 2f रखेंगे, कहाँ आर है, यहाँ 2f रखेंगे, ये यू बी माइनस यू एफ माइनस वी, तो वी रख दिए और आर के स्थान पे 2f रख देंगे, तो इसको हम 2vf भी रख सकते हैं, अर्थात इसको मिटा के क्या रख सकते हैं, 2vf बराबर कितना है, माइनस वी एफ। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ 2vf है, यहाँ 1vf है, तो इनको हम उठा के उधर कर देते हैं, तो माइनस वाला उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए,
माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा 2vf। चलिए इधर ub माइनस uf बराबर, दो vf में से एक vf घट गए तो एक vf बच गया, तो यहाँ vf आ गए। अब लास्ट स्टेप यहाँ पहुँचने के बाद आपको यहाँ ये बात याद रखना होगा कि दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ uv है तो uv भाग देने का मतलब बटे uvf, फिर माइनस कितना है uf है तो बटे हो जाएगा uvf बराबर, यहाँ vf है बटे uvf हो गए। तो चलिए जो कुछ आपके कैंसिल हो रहे हैं उनको आप कैंसिल कीजिए। देखिए ये UB, ये UB से कैंसिल, ये UF, UF से कैंसिल, ये VF से VF कैंसिल हो गए। तो आपके सामने क्या बचा, यहाँ आपके सामने बचा है, यहाँ का चीज़ यहाँ नोट कर रहे हैं, ऊपर एक बचा है और नीचे कितना बचा है F बचा है माइनस, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा है, एक बटे नीचे है V है और ऊपर क्या है कुछ नहीं एक है और यहाँ कितना है u है। अब ये माइनस वाला पक्ष उधर चला जाए तो एक बटे f बराबर एक बटे u पहले से है, ये वाला उधर जाएगा तो एक बटे v ही हो जाएगा। तो यही तो है दर्पण का सूत्र, यही क्या है आपका दर्पण का सूत्र है, आप मिला सकते हैं। और गाइज ये पूरा के पूरा एग्जाम में 7 नंबर का प्रश्न पूछता है और 7 नंबर आपका अनिवार्य है कि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो गाइज आप एक बार इसे पुनः अभ्यास जरूर कीजिएगा। फिलहाल आज की जो लेक्चर है वो आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। समाप्त करने से पहले एक बात और बताते हैं, कभी कभी 1 नंबर में प्रश्न पूछता है कि दर्पण का सूत्र लिखिए और प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए, प्रयुक्त संकेत यानी F, U और V वहाँ पर क्या है। जब 1 नंबर का पूछे 2 नंबर का पूछे तो आप दर्पण का सूत्र लिखिएगा और बताइएगा F फोकस दूरी है, U वस्तु की दूरी है और V क्या है प्रतिबिंब की दूरी है। फिर से U वस्तु की दूरी है और V प्रतिबिंब की दूरी है और F क्या है फोकस दूरी है। लिख के आपको 2 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा। यदि 7 नंबर में पूछा गया तो आपको फुल टू फुल डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो गाइज आई होप कि आज की लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की क्लासेस, आज की लेक्चर आपको कैसी लगी। यदि बेहतरीन लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइज। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।